और आज हम आपको बेसिक जानकारी देने वाले हैं, जैसे फराना में इंटीरियर डिजिटल मीटर कैसे काम करता है, एसलाई कैसे वर्क करता है और आउटरिगर जग और भी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं फराना 15 टन के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो आप क्रेन देख रहे हैं इसका मॉडल नंबर है F150। ये 15 टन की क्रेन है। अब इसमें डिजिटल मीटर आ चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को केबिन का इंटरव्यू दिखा दूं, पहले और आज के मुकाबले केबिन काफ़ी अट्रैक्टिव और शानदार बन चुका है। लेकिन जब से ये पोपट कलर में आया है, मानो जैसे कि मार्केट में छा ही गया हो। ये पोपट कलर इसके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। आप और भी मार्केट में फराना देखे होंगे जो स्कॉट कंपनी विंडो पावर कंपनी से आते हैं, लेकिन ये एसी कंपनी का फराना क्रेन है। इसमें दो तीन मॉडल आते हैं, लेकिन ये F150 मॉडल नंबर है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव और शानदार लुक बनाया गया है। जो ओल्ड मॉडल के फराना आते थे, सेंटर पिन के बगल में ये जो पिन है ये नहीं दिया जाता था, लेकिन अब न्यू मॉडल में काफ़ी कुछ एक्सचेंज कर दिया गया है और गाड़ी को बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप एक क्रेन ऑपरेटर हैं या क्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ मिल जाएगी। हेडलैम्प की बात की जाए तो इसमें फ्रंट में 4 हेडलैम्प है, एक वर्किंग लाइट दिया गया है जो ऊपर बूम के पास होता है, और एसलाई भी इस गाड़ी में फिक्स अवेलेबल कंपनी के साथ आता है। फ्रंट में जो टायर है उसकी साइज 11020। बैक साइड में जो टायर है उसकी साइज चेक की जाए तो दोनों सेम है। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर का स्टिकर दे देता है कंपनी। फ्रंट में 100 PSI हवा रख सकते हैं और रियर में 100 PSI, मतलब आगे और पीछे दोनों टायर में 100 PSI हवा रख सकते। अभी के जो फराना आ रहे हैं काफ़ी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको इंटीरियर दिखा दूँ मैं, तो इंटीरियर में काफ़ी कुछ डिजिटल हो चुका है। चलिए सीधे हम ले चलते हैं आपको इंटीरियर पॉइंट पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं फराना 15 टन के इंटीरियर पॉइंट पे। यह आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर शो कर रहा है। मैं आपको चाबी लगा के दिखा दूँ डिजिटल मीटर कैसे काम करता है। ये गाड़ियाँ सेंसर पे स्टार्ट होती है। सारी लाइट बंद हो गई, सिर्फ पार्किंग और बैटरी की लाइट चालू है। राइट साइड में जो मीटर दिख रहा है वो एयर प्रेशर है और लेफ्ट साइड वाला डीजल टैंक का है। स्विच के बारे में बात करें तो ये आपका इंडिकेटर हो गया, लेफ्ट साइड इंडिकेटर, राइट साइड इंडिकेटर। ये हाई लो का गियर है। अगर 2WD पर कर देंगे तो हाई गियर हो जाएगा और 4WD पे कर देंगे तो लो गियर हो जाएगा। ये आपका पार्किंग लाइट हो गया। और अब बात करते हैं इसकी वाइपर। अगर आपको बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश होने पर वाइपर चालू करना पड़ता है तो ये आपको एक वाइपर का स्विच दिया गया है। ये वर्क लाइट का स्विच दिया गया है। ये भी वर्किंग लाइट का स्विच है। ये अपर और डिपर का स्विच है। ये फैन का है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एसलाई कनेक्ट किया गया है। ये हॉर्न है। ये जो ऊपर आप रेड बत्ती देख रहे हैं, अभी आपको जो ऊपर रेड बत्ती दिखाया उसके लिए दिया गया है, जिसे आप दबा के स्टार्ट कर सकते। ऑयल क्लच है, एयर ब्रेक, एक्सीलेटर। ये जो एक्सीलेटर देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है, इसमें केबल नहीं होता है। कोई भी न्यू पर्सन अगर क्रेन ऑपरेटर या क्रेन ड्राइविंग सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत इजी हो चुका है। सीट है, सीट ज़्यादा फोल्ड नहीं होती है, थोड़ी कंफर्टेबल है सीट। अब हम सीधे बात कर लेते हैं लीवर पॉइंट पे। यहाँ पे 5 लीवर दिया है। ये जो 2 लीवर आप देख रहे हैं, ये फ्रंट में जो आउटरिगर है जिसे हम जग भी बोलते हैं, ये जो आप आउटरिगर देख रहे हो, ये दोनों छोटे वाले लीवर से आउटरिगर ऑपरेट होता है। अगर आप लेफ्ट साइड का आउटरिगर सामने करेंगे तो डाउन होगा और पीछे करेंगे तो अप होगा। राइट साइड का सामने करेंगे तो डाउन होगा, पीछे करेंगे तो अप होगा। अभी यहाँ पे 3 लीवर है। ये जो फर्स्ट लीवर होता है ये बूम ऑपरेट करने के लिए होता है। सामने करेंगे तो डाउन होगा और पीछे करेंगे तो अप होगा। ये बूम एक्सटेंशन का होता है। अगर सामने करेंगे तो बूम बाहर होगा, पीछे करेंगे तो बूम अंदर होगा। अब बात करते हैं लास्ट लीवर की। तो अगर इसे सामने करेंगे तो विंच डाउन होगा, जिसे हम कप्पा भी बोलते हैं, और अगर पीछे करेंगे तो विंच टाइट होगा। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कौन सा लीवर कैसे काम करता है। हाँ, यहाँ पे एक कंपनी वाले ने खुद प्रोवाइड कर देता है एसएलआई। स्कॉट की गाड़ियों में एसएलआई कंपनी के साथ फिटेड नहीं आता है, लेकिन एसी के गाड़ियों में ये एसएलआई फिटेड आता है कंपनी से, जिससे आपका 1,00,000 रुपये तक खर्चा बच जाता है। और ये कैसे काम करता है, क्यों करता है, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा।
अभी यहाँ पे सिलाई चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं ग्रीन बत्ती जल चुकी है। देखिए जो भी है शो कर रहा है, अगर आप वेट ज़्यादा उठाएंगे तो यहाँ पे रेड लाइट जल जाती है, और अगर आप उससे भी ज़्यादा वेट उठाना चाहते हैं तो आपको बाईपास बटन पे क्लिक करना पड़ता है। सेफ्टी में काम करेंगे ये सेफ्टी इंडिकेटर के साथ मिलके, तो आपको कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस जीरो हो जाएगा। ये रहा फ्रंट में राइट साइड का मिरर, और लेफ्ट साइड में भी एक मिरर दिया गया है। टायर की सेफ्टी के लिए गार्ड भी दे रहा है कंपनी। बैटरी का स्विच, बैटरी यहाँ पे बहुत सही जगह पे कर दिया है, एक बॉक्स बना के कंपनी ने। ये साइलेंसर, स्कॉट की गाड़ियों में साइलेंसर पीछे देता है, लेकिन एसी कुछ अपना नया जलवा लेके आ रहा है रोड पे। इन गाड़ियों का जो एयर ब्रेक होता है काफ़ी पावरफुल होता है, इनके लिए चार चार बूस्टर लगे होते हैं, हर टायर में एक सेपरेट बूस्टर लगा होता है। आप देख सकते हैं फ्रंट में दो बूस्टर है, और बैक साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दो बूस्टर। सेपरेट बूस्टर होने से एक फ़ायदा अच्छा रहता है, जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी सही हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक फराना चलाने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉपर केबल नहीं आता है, क्योंकि जो जूने फराना आते थे उनमें स्टॉपर केबल होता था और एक्सलेटर वायर होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सलेटर वायर का कोई अभी संबंध नहीं रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सलेटर कर दिया गया है। और अगर आप कभी गाड़ी स्टार्ट भी कर देते हैं, जैसे देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी, अगर आपको बंद करना है तो स्टॉपर केबल नहीं आता है। पहले की गाड़ियों में यहाँ पे स्टॉपर केबल देता था, बाकी आप कहीं भी स्टॉपर केबल जोड़ देते थे लोग टम्परवरी, लेकिन यहाँ पे अभी डायरेक्ट स्विच से आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये BS6 इंजन है।